दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया है नोटिस, धर्म से जुड़े नाम वाले दलों पर कार्रवाई की याचिका पर ये सुनवाई। आपको बता दें कि सुनवाई होगी, राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करने वालों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी याचिका, कांग्रेस समेत कई दलों पर याचिका में आरोप लगाए गए थे कि राष्ट्रीय ध्वज और धर्म से जुड़े नाम का इस्तेमाल करने किया गया है और इन्हीं का आरोप उन पे लगाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, धर्म से जुड़े नाम वाले दलों पर कार्रवाई की याचिका पर सुनवाई के लिए राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करने वालों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका दायर की थी और आपको बता दें कि इस याचिका में कांग्रेस समेत कई अन्य दलों पर यहां पर आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज और धर्म से जुड़े नाम का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने ये याचिका दायर की थी और कांग्रेस समेत कई दलों पर याचिका में आरोप लगाए गए कि राष्ट्रीय ध्वज और धर्म से जुड़े नाम का इस्तेमाल किया गया, इन पे कार्रवाई की जाए, कार्रवाई की मांग यहां पर की गई है बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा। तो आपको बता दें कि यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, धर्म से जुड़े नाम वाले दलों पर कार्रवाई की याचिका पर सुनवाई के लिए राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा। उन्होंने आरोप लगाया है और याचिका दायर की थी उन्होंने, कांग्रेस समेत कई दलों पर उन्होंने आरोप लगाया राष्ट्रीय ध्वज और धर्म से जुड़े नाम का इस्तेमाल करने का। सुचित्रा मुखर्जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, क्या कुछ आरोप यहां पर लगाए गए अश्विनी उपाध्याय द्वारा याचिका में? देखिए, अश्विनी उपाध्याय की अगर बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं और बीजेपी के नेता भी हैं। इन्होंने ये कहा था अपनी याचिका में कि धर्मों से जुड़े नाम वाले या राष्ट्रीय ध्वज जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल करने वाले जो राजनीतिक दल हैं उनका जो है जो चिन्ह है वो यहाँ पर खारिज किया जाए। तो चुनाव आयोग द्वारा समीक्षा किए जाने की यहाँ पर अर्जी की गई थी कि चुनाव आयोग इसकी समीक्षा करे। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बाबत इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस अर्जी में अगर मांग की बात करें तो ये कहा गया है कि अगर ये 3 महीने में इन्हें नहीं बदलते हैं, यानी कि जो भी उनका चिन्ह है वो नहीं बदलते हैं, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द कर दिया जाए। याचिका में जो कहा गया है मोनिका वो ये है कि हिंदू सेना, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों का हवाला दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस समेत और कई राजनीतिक दल हैं जो राष्ट्रीय ध्वज जैसे ध्वज का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह के तौर पर, और ऐसा करना जन प्रतिनिधित्व जो कानून है उसके खिलाफ है। तो ये याचिका में मांग की गई थी और इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जी, तो जवाब कब तक यहाँ पर दाखिल कर दिया जाएगा इनकी तरफ से सुचित्रा? बिल्कुल, देखिए अभी समय सीमा नहीं दी गई है। अभी इस मामले में ये कहा गया है कि जल्द से जल्द जवाब दाखिल किया जाए, क्योंकि चूंकि मामला जो है राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा हुआ है, प्रतीकों का इस्तेमाल करने की यहाँ पर बात की गई है, तो निश्चित तौर पर जल्द से जल्द इस मामले में जवाब आएगा। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि आगे क्या कुछ आदेश दे रहे। सुचित्रा, राष्ट्रीय ध्वज के अलावा और किन प्रतीकों के इस्तेमाल पर यहाँ पर मांग की गई है, कार्रवाई की गई है? कि धर्मों से अगर जुड़ा हुआ कोई नाम हो, यानी कि कोई भी पार्टी चिन्ह है और धर्म से जुड़ा हुआ, जैसे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम ये हो गया धर्म से जुड़ा हुआ नाम है, हिंदू सेना ये धर्म से जुड़ा हुआ नाम है, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किया गया है, ट्राइकलर यूज किए गए हैं। तो अगर धर्म से जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा हुआ इस तरीके का कोई भी प्रतीक है तो उसको लेकर, यानी कि पार्टी का सिंबल है तो उसको यहाँ पर खारिज करने की, यानी कि 3 महीने में एक्शन लेने की बात कही गई, और 3 महीने में अगर नहीं ऐसा पार्टी मानती है तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बात कही गई है। जनप्रतिनिधि कानून के अंतर्गत ये आता है, ये कहना है याचिकाकर्ता का। तो इस मामले में ही नोटिस इशू हुआ है। अब देखना होगा कि नोटिस का जब जवाब आएगा उसके बाद
दिल्ली हाई कोर्ट इसमें क्या कुछ एक्शन लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुचित्रा इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए।